टू अवर चैनल लिव योर लाइफ। और आप सब कैसे हैं? ते आज मैं बनान जा रही हूं अलसी दिया पिनिया। चलो बनानी शुरू करिए। स्टार्ट। सब तो पहला करेंगे गैस ऑन। गैस ऑन करनी मत भूल जाना। सही बात है। और यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, तो सबसे पहले जो अलसी है उसको रोस्ट करेंगे। और जो गैस की आपकी फ्लेम है वो सिम पर होनी चाहिए, मतलब मीडियम टू लो में ही करना है। ये जल्दी ये जलना नहीं चाहिए, आराम से इसको धीरे धीरे भूनेंगे। नहीं मैडम कह रहे हैं कि देर से जले, जल्दी ना जले। नहीं 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 नहीं, मैं बोल देंगे दोबारा। तो इसको ना धीरे धीरे भूनेंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो पे ही रखेंगे। वैसे तो लो पे रखें तो बेटर है, जब बहुत जल्दी जल जाती है तो प्यार से इसको भूनते हैं। आपको थोड़ी जल्दी है कहीं जाने की, तो आप मीडियम कर सकते हैं, नहीं तो इसको लो पे बनाएं। नहीं तो मीडियम कह रही हैं मैडम, कह रही हैं शेफ। नहीं मीडियम पे करोगे तो फिर जल्दी जल्दी हाथ हिलाना पड़ेगा, नीचे लगना नहीं चाहिए। देखिए जब तक इसमें से चटकने की आवाज ना आ जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। और इसका कलर जो है ना वो भी चेंज होगा थोड़ा थोड़ा, वो छोटे छोटे पटाखे। हाँ छोटे छोटे पटाखे। ये देखिए इसमें से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लग गई है, लेकिन हम और भूनेंगे, खुशबू भी आने लग गई है। अब आप चुप करोगे तो उनको आवाज आएगी ना चटकने की, सुनने दो लोगों। अभी सिर्फ एक ही मिनट हुआ है, चुप नहीं करना। नहीं चुप नहीं करना, उनको बताना भी तो है ना, शायद अच्छे से एक्सप्लेन भी करना ना। मतलब आपने चुप नहीं करना? नहीं अभी मैं चुप नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को साथ साथ बताना भी है इसका ये क्या हो रहा है। और इसका टेक्सचर कितना प्यारा ना, ये देखो मोतियों जैसा। वाह। तो आपको मैं बता दूं कि चाहे इसे आप मिठाई कह लें चाहे सप्लीमेंट कह लें, सर्दियों में ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हर सर्दियों में हमारी कोशिश होती है कि हम इसे इसका सेवन करें, और इस बार हम ये रेसिपी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो देखिए पहले आप कैसे बन रही है और क्या निकल के आता है, और उसके बाद आप बनाइए, एक बार तो ज़रूर बनाइए। क्या निकल के आएगा अभी? लड्डू बनेंगे इसके अच्छे से, अलसी के बढ़िया से। नहीं नहीं लड्डू नहीं बनेंगे, कुछ और बनेंगे। पिनिया बनानी है? पिनिया बनेंगे। नहीं लड्डू ही बनावांगे। नहीं कर 50-50 कर। नहीं आधी पिनिया। नहीं 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 नहीं, वो डिसाइड हुआ था पहले पिनिया बनेंगी। नहीं पिनिया मैं बनाऊंगी थोड़ी मूंग, सॉरी क्या कहते हैं, मां दी दाल दी है। हाँ खुशबू आने लगी। शेफ साहब पलटी बहुत मारते हैं भाई। और जो ये भून रहे हैं ना, इसको रोस्ट कर रहे हैं, इसका रीजन ये भी है कि जब हम इसको बाद में ग्राइंड करेंगे ना तो वो इजीली ग्राइंड हो जाएगा। बजे पटाखे, आवाज आने लगी, चटकने लग गए ये। I love this word, चटकने। मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैंने जाना है, मैं तो बस पटाखियों की वेट कर रहे हैं। ये बजने लगे हैं पटाखे। मैं थोड़ी थोड़ी खुशबू भी आने लग गई है। कलर भी चेंज हो रहा है, देखिए ये डार्क ब्राउन हो रहा है इसका कलर। कंटिन्यूसली स्टर करना है, हिलाना है इसको। कोई पता नहीं अगले 10 सालों में एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी मोबाइल में ऐसी कि आपको खुशबू भी आएगी। इतना कुछ हो गया, वो भी हो जाएगा। बस आधा मिनट और करेंगे इसे भूनना है, कच्चापन भी दूर होगा और ड्राई जब होगी तो
अच्छी से ग्राइंड हो जाएगी अलसी। सब मैंने एडिट कर देना है, ये बोलते इतना है ना बस। क्या बोले? सब एडिट हो जाना, सब काट देना। खाने की नहीं पीनी है तुसी? खाना मैं खानू की। हाँ तो फिर सोच के बोलो जरा। बस अब मैं गैस को करूँगी बंद और इसको हिलाएंगे। जब तक हमारी अलसी ठंडी होती है ग्राइंड करने के लिए, तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप, नॉर्मल जो कप होता है वो लिया है पानी का, और गैस को ऑन किया हुआ है। और इसमें अब डालेंगे गुड़। ये गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। हमको इसकी कोई तार की चाशनी नहीं बनानी, गुड़ मेल्ट हो जाए बस आधा मिनट के लिए और हम उसको करेंगे। सिर्फ इतना ही करेंगे कि आपके हाथ में जब आप ऐसे लगाएं ना तो वो ऐसे चिप चिप से होने लग जाए। बस अलसी को ग्राइंड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे घी में, देसी घी में। डालेंगे बादाम, मखाने, फूल मखाना है ये, काजू और किशमिश को बाद में। एक मिनट के लिए इसको रोस्ट करेंगे घी में इन सबको। ड्राई फ्रूट जो है वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम, जैसे आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। चलिए सेम ही कढ़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले देसी घी, घर का बना देसी घी। अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा, गेहूं का आटा। आप इसकी जगह पे बेसन भी डाल सकते हैं। इसको भूनेंगे, सिम पे भूनना है फ्लेम करके ना, इसको कंटिन्यूसली आपने हिलाना है, आटा नीचे नहीं लगना चाहिए। और तब तक इसको भूनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जैसे हम हलवा बनाते हैं वैसे ही। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ग्राइंड की हुई अलसी। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ की चाशनी, इसको छान लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, मतलब उतना का ठंडा करना जितना हमारा हाथ लग जाए लड्डू बनाने के लिए या पिन्नी बनाने के लिए।